Welcome again to another special Eid vlog of Dizzy Official. तो भाई शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है ईद का दिन और हमने ईद नमाज पढ़ने के लिए जाना है अपने हॉस्टल से 15 किलोमीटर दूर। उसके लिए हमें बस पकड़नी होती है। हम सुबह जल्दी से तैयार हो जाते हैं, सुबह 9 बजे तो वैसे कहते हैं कि ईद नमाज होगी, मगर ईद नमाज लेट होती है। हम जो है वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, 6, 6:30, 7 बजे जो है हम रेडी होकर खड़े हो जाते हैं। फिर सब जो है वो जमा हो जाते हैं हॉस्टल के लड़के, क्योंकि चाइना है, यहाँ पर एक शहर में एक ही मस्जिद होती है या बड़ा शहर हो तो वहाँ पर ज़्यादा मस्जिदें होती हैं, तो हमें जल्दी तैयार होना पड़ता है और सबको इकट्ठे जाना पड़ता है ताकि वहाँ पर टाइम से पहुँच कर ईद नमाज पढ़ जो सके। जो रेडी होता जाता है वो बारी बारी इकट्ठा होता जाता है, फिर हम फाइनली रेडी होकर अपने हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं ताकि सब एक साथ इकट्ठे होकर वहाँ से निकल सकें। वहाँ पर निकलने में हमें थोड़ा लेट हो जाती है। हमें वैसे तो 7 बजे अपने हॉस्टल से निकलना होता है, लेकिन हमें हॉस्टल से निकलते निकलते 8 बज जाती है। हमें लगता है कि अगर हम बस स्टैंड तक पहुँचे तो आगे बस भी काफ़ी टाइम लगाएगी, 40 मिनट, क्योंकि उसके स्टॉप भी काफ़ी होते हैं, तो हम अपने मंजिल तक टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हम गाड़ी करवा लेते हैं और टाइम पर पहुँच जाते हैं। हमें लगता है 9 बजे होगी जमात, मगर जमात 10:30 बजे होती है। लेकिन खैर, हम जल्दी पहुँच कर, और भी काफ़ी कुछ होता है, हमने अपना नाम वगैरह दर्ज करना होता है, उस पर सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, और किस शहर से आए हैं वो सारा कुछ हमें। वहाँ पर कई चाइनीज़ मुस्लिम्स भी होते हैं, उनके साथ हम फोटोग्राफी करते हैं, कुछ हमारे साथ भी सेल्फीज़ बनवाते हैं, हम भी किसी के साथ सेल्फ़ी बना लेते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर फोटोग्राफी होती है, सब ने बुर्का वगैरह पहना होता है जो भी मुस्लिम्स होते हैं, और मुस्लिम चाइनीज़ लड़के भी कैप पहनते फिर रहे होते हैं। हमारी ईद नमाज 5th फ्लोर पर होनी होती है, उसके लिए हम फिर निकल पड़ते हैं, सब इकट्ठे चलते जाते हैं। हमें एक एक अगरबत्ती भी हाथ में थमा देते हैं, हम वो भी लेके घूमते हैं जिसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लग रही होती है। फाइनली हम 5th फ्लोर पर पहुँच कर अपनी अपनी जूतियाँ उतार देते हैं, फिर हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर पहले से भी काफ़ी चाइनीज़ और नाइजेरियंस बैठे होते हैं, और नाइजेरियंस लड़कियाँ भी होती हैं, और लड़कियाँ भी नमाज़ पढ़ने आई हुई होती हैं, उनके लिए पीछे पर्दे का अलहदा इंतज़ाम किया होता है। फिर काफ़ी देर चाइनीज़ इमाम जो है वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई स्पीच करता रहता है जो हमें समझ बिल्कुल भी नहीं आती। उसकी अरबी अच्छी होती है, हमें अच्छी तरह समझ आ रही होती है, और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम सब ईद नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो ईद नमाज़ पढ़ाता है चाइनीज़ मौलवी, फिर खुतबा होता है ईद नमाज़ का, और फिर उसके बाद सब आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं।
फिर चाइनीज़ मौलवी के साथ भी कुछ फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह होती है, जो जिसको देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी एक छोटा सा क्लिप बनवा लेता हूँ अपना। सब कुछ मिलने मिलाने के बाद फिर हमें वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। अब वापसी हम हॉस्टल तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाकर हमें घूमने का मौका नहीं मिलेगा। हम वहीं से मस्जिद से ही अपना घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं और कहाँ कहाँ जाना ये भी हम सोच लेते हैं। उसके लिए फिर हम बस हमें पकड़नी होती है। बाहर हम कुछ थोड़ी देर खड़े रहते हैं वहाँ पर, एक दूसरे को जो है वो घर वीडियो कॉल करते हैं, घर उनको ईद मुबारक देते हैं, उनको अपनी मस्जिद वगैरह दिखाते हैं। इस एरिया को शानयांग शंगशी एरिया कहा जाता है, मीन्स कि ये काफ़ी अच्छे की घूमने की जगह होती है। उसके बाद हम एक साइकिल पकड़ लेते हैं 20 RMB की, जिसको हमें लेकर और वापसी लेकर आना होता है ले जाकर। उस पर साइकिल के हमारे जो है वो पैसे पूरे होते हैं क्योंकि हम उस पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सारे चाइनीज़ लोग भी हमें देखकर काफ़ी हंस रहे होते हैं और हम भी उनके साथ फिर हंसना शुरू कर देते हैं। मींस के फुल चिल माहौल हमने बनाया हुआ होता है। चार बंदों वाली साइकिल पर हम 7 बंदे बैठे होते हैं, 4 लोग पैडल मार रहे होते हैं, एक के हाथ में स्टीयरिंग होता है और हम जो है कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। फिर हम अपने जो है वो पराडो एक साइड पे खड़ा कर अच्छा सा एरिया देखकर वहाँ पर कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं। वहाँ पर कई आंटियाँ भी होती हैं, वो भी हमें देख कर काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो भी हमारे साथ छोटे छोटे फिर वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफी वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद हम अपनी प्राडो को लेकर वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर हमें कुछ चाइनीज़ स्कूल का ट्रिप नज़र आता है, वो देखकर हमें बहुत खुश होते हैं। तब सब के सब हमें हेलो हाय नी हाओ करते रहते हैं, सब के सब की नज़रें हम पर होती हैं और हमें ऐसा फील हो रहा होता है जैसे हम आज सेलिब्रिटी बने हुए हैं और सब के सब हमें ही देख के जा रहे हैं कि पता नहीं कौन से लोग आ गए। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट मीन्स के उसमें ट्रिप को ले जाया जाता है। हम कहते हैं चले हम भी अंदर देख लें और वो भी हमें इजाज़त देते हैं अंदर जाने की, मगर चाइनीज़ है क्योंकि हलाल फूड तो होता नहीं है इधर, बहुत कम होता है, तो हराम फूड इतनी स्मेल आ रही होती है हम तो एक सेकंड अंदर नहीं बैठते और बाहर निकल आते हैं। बाकी सब हमें जो है वो बाय बाय कहते हैं, हम वहाँ से निकलने वाली करते हैं जिस तरह एक सेलिब्रिटी जो है वो लोगों के दरमियान से भाग रहा होता है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपना खाना खाने क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया होता, भूख हमें काफ़ी लगी हुई होती है। हम हलाल रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, वहां पर हम चावल जिनको मीफन कहा जाता है वो ऑर्डर कर देते हैं। 3-4 जो है प्लेटें आ जाती हैं, बाकी 2-3 लोगों के बाद में बनना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये चाइनीज़ मुस्लिम होते हैं तो वो हमें तोहफे के तौर पर कुछ डिशेस भी देते हैं और फिर एंड में बिल्कुल भी बिल नहीं लेते, हालांकि चावलों तक का भी वो बिल नहीं लेते, यानी कि पाकिस्तानी 7-8 हज़ार बनता है खाने का और वो हमें बिल्कुल मुफ्त खिलाते हैं। हालांकि हम उनको इंसिस्ट भी करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। उसके बाद हम चले जाते हैं नॉर्थ स्ट्रीट। नॉर्थ स्ट्रीट में ऐसी एक रंग बिरंगी जो है वो स्ट्रीट आती है जिसमें गुजर कर जो है आगे माल है बच्चों का, आइटम्स तो इतनी अच्छी नहीं है मगर यहाँ से गुजरने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, मीन्स कि एक अच्छा माहौल होता है। वहाँ से निकलकर हम जाते हैं समंदर के पास, वहाँ पर भी एक अच्छा व्यू आता है जो कि हम हर बार होकर जाते हैं जहाँ से। वहाँ पर मेरे मोबाइल की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी होती है, इसलिए ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्लिप है और ये आप लास्ट क्लिप देख रहे हैं। बैटरी डेड होने वाली है और मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड बाय।